टू ग्रेट शेफ्स ऑफ इंडिया, मैं हूं मोनिका। ग्रेट शेफ्स ऑफ जी बिजनेस की पूरी टीम की तरफ से विशिंग यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। नया साल यानी बहुत सारी सेलिब्रेशंस और ढेर सारी न्यू ईयर पार्टीज। तो अगर आप भी इस साल नए साल की पार्टी होस्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या बनाया जाए जो हो डिफरेंट और नया, तो डोंट वरी, हम है ना, हम आपको लेके चलेंगे आज के हमारे शेफ के पास, उन्हीं की किचन में, और उनसे बनाना सीखेंगे कुछ डिफरेंट और बढ़िया सी डिशेज। कुछ होंगे फिंगर फूड और साथ ही में होगा इस बढ़िया सा डिजर्ट भी। तो चलिए मिलते हैं आज के शेफ से और उनसे सीखते हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए कुछ बढ़िया सी रेसिपी। चलिए आपकी न्यू ईयर पार्टी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट रेसिपीज सीखने और आपके साथ शेयर करने के लिए हम आ पहुंचे हैं यहाँ शेफ गिरीश कृष्णन के पास। ही इज द एग्जीक्यूटिव शेफ विद होटल JW मैरियट एरो सिटी दिल्ली। हाय शेफ, हाउ आर यू? हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू। शेफ, नए साल में लोग अपने घरों में पार्टीज करते हैं, तो हम चाहते थे कुछ ऐसी रेसिपीज आप हमें बनाना सिखाएं, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, जो झटपट से बन जाए, आसान हो और साथ ही साथ डिफरेंट भी हो। तो बताएंगे ऐसी कौन सी रेसिपीज हो सकती हैं और उनमें से आप क्या बनाना सिखा रहे हैं? आप सबको न्यू ईयर की शुभकामनाएं। तो कुछ क्विक रेसिपी बताता हूं मैं। आज एक खरारा प्रॉन है, हम बना सकते हैं, जो कि नॉनवेज है और खाना पसंद करते हैं लोग बाग। और उसके साथ में बनाएंगे मशरूम एंड चाय पिनव्हील, जो कि सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग से लगता है और डिफरेंट है काफी। और बनाने कुछ मीठा भी है, जैसे मोनिका ने मीठे की बात करी, तो मीठे के बिना कुछ नहीं होता है। तो हम लोग बनाएंगे चॉकलेट मट केक। चॉकलेट से बेहतर कोई भी डिजर्ट नहीं है। वाओ, चॉकलेट मट केक, सुनते ही मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आई थिंक हम शुरुआत करेंगे एक फिंगर फूड या स्टार्टर के साथ, राइट? एंड आई कैन सी द प्रॉन्स हियर। सो अभी बनने वाला है करारे झींगे। करारे झींगे, ओके। तो करारे झींगे के लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और उसके बाद हम शेफ से इस रेसिपी को सीखते हैं। करारे झींगे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो प्रॉन्स, 50 ग्राम अदरक लहसुन का पेस्ट, 50 मिलीलीटर माल्ट विनेगर, 15 ग्राम टंगा दही, 10 ग्राम गरम मसाला, 10 ग्राम जीरा पाउडर, 10 ग्राम कसूरी मेथी, 5 ग्राम हल्दी पाउडर, 10 ग्राम काली मिर्च, 100 ग्राम चावल का आटा, 25 ग्राम बेसन, 75 मिलीलीटर सरसों का तेल, 50 मिलीलीटर मक्खन, 250 मिलीलीटर रिफाइंड तेल और नमक स्वाद के अनुसार। शेफ तो बनाना शुरू करें ये करारे झींगे। करारे झींगे सबसे पहले हमको छोटे प्रॉन्स लेने थे, 18-20 साइज के होते हैं जी। और हर कोई स्नैक्स या कबाब जो बनाते हैं, जहाँ भी मीट इन्वॉल्व होगा, हमें 2 बार मैरिनेशन करना चाहिए जी। और उसके पहला मैरिनेशन और सेकंड मैरिनेशन, लेकिन मैरिनेशन से पहले क्या हम तेल गरम कर ले? थैंक यू वेरी मच, आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। तो जब तक अपना झींगा मैरिनेट होगा तो तेल भी गर्म होगा। बिल्कुल, तो चलिए फर्स्ट मैरिनेशन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम झींगे के लिए अदरक लहसुन पेस्ट जी, यहाँ मैंने इसमें माल्ट विनेगर यूज किया है। और इसके जगह हम नींबू भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी खटास जो है वो बेसिकली हमें चाहिए। यहाँ पे शेफ ने नमक भी डाल दिया है इसमें। उन्होंने कहा हल्के हाथ से मिक्स कर ले, हम चाहे तो स्पून से मिक्स कर सकते हैं जी। और उसके बाद हम इसमें इस प्रॉन को डाल देंगे जी, इसको हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे हमें। और इसे अब कितनी देर रखेंगे? कम से कम 15-20 मिनट तक रखेंगे इसे। और जब तक हमारा अदरक लहसुन लगा हुआ प्रॉन उस मैरिनेशन में जा रहा है, हम इसका सेकंड मैरिनेशन बना लेंगे, जिसे कहते हैं, उसमें हम सबसे पहले यूज लेते हैं दही। तो हंकड़ होता है, जो दही को हम एक रात पहले मलमल के कपड़े में या फिर छलनी में अगर छान के रख देंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर जी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हम थोड़ा कसूरी मेथी डाल लेते हैं इसमें जी, थोड़ा सा काली मिर्च, हम हल्दी डाल देंगे, डाल रहे हैं हल्दी, और आखिरी में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, इसके बड़े अच्छे से मिला लीजिए। बिल्कुल, हम थोड़ा सा निचोड़ लेंगे अपने हाथ से। ओके, जो एक्सेस पानी इसमें छूटा होगा, ये देखिए, नमक की वजह से उसको निकाल लिया जाएगा। अब इसे भी कुछ देर छोड़ना है? बिल्कुल, अब इसे कुछ देर छोड़ना है, कम से कम आधे घंटे के लिए। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डाल देंगे जी, ताकि वो जो मसाला हमने बनाया उसको पकड़ ले, और थोड़ा सा बेसन ताकि हमें एकदम करारा करें। और इसके अंदर अगर आप चावल का पाउडर पसंद करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। चलिए, तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है और जो झींगे हैं वो भी हो चुके हैं मैरिनेट। अब नाउ इट्स टाइम टू फ्राई दीस। सो दिस इज आई थिंक जस्ट हार्डली 2-3 मिनट्स।
Now I can see these all done, so I think इन्हें निकाल लेना चाहिए. अभी बटर प्रूफ पेपर निकाल लीजिए इसे. जी, तो जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें निकल आएगा. सो नाउ टाइम टू प्लेट दिस. हमारे टेस्ट करके बताइए आपको कैसा लगा ये. जी शेफ शायद जानते नहीं है पर मैं टेस्टिंग के लिए रहती हूँ हमेशा तैयार. तो वाओ, पाते कुरकुरे करारे क्रिस्पी प्रॉन्स. तो ट्राई कीजिएगा इसे और अगर इसमें कोई भी स्टेप आपसे मिस हो गया हो तो रीकैप हम आपको डेफिनेटली दिखाएंगे. तो टेक अ लुक एट द रीकैप एंड देन वी टेक अ शॉर्ट ब्रेक. करारे झींगे बनाने के लिए प्रॉन्स को साफ कर लें. इन्हें अदरक लहसुन का पेस्ट नमक और माल्ट विनेगर में कुछ देर मैरिनेट करें. अब दूसरा मैरिनेशन तैयार करने के लिए टंगा हुआ दही, गरम मसाला, जीरा पाउडर, कसूरी मेथी, काली मिर्च और साथ ही सरसों के तेल को मिलाएं. अब इसमें प्रॉन्स को डालकर 30 मिनट तक रख दें. मैरिनेटेड प्रॉन्स में चावल का आटा और बेसन मिलाएं और इन्हें डीप फ्राई करें. पुदीने की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें. नए साल के मौके पर पार्टीज के सीजन में क्या क्या बन सकता है, क्या क्या फिंगर फूड हो सकते हैं, एक तो हमने आपके साथ शेयर कर ही लिया है फॉर द नॉन वेजिटेरियंस एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द वेजिटेरियंस. तो बन रहा है कुछ अगेन डिफरेंट, नया एंड इंटरेस्टिंग. क्या बन रहा है मॉनिटर? मैं अभी बनाना चाहूंगा मशरूम और चाय पिंडी. और बेसिकली इसमें चॉप मशरूम लेंगे और उसके अंदर हम एक कच्चा सॉफ्ट डो बनाएंगे, उसे मशरूम की क्रीम फिल करके रोल करके डीप फ्राई करेंगे. तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए, मशरूम और चाइप के अलावा और क्या क्या चाहिए और उसके बाद इस रेसिपी को भी ध्यान से देखिएगा. मशरूम पिनव्हील बनाने के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम बटन मशरूम, 100 ग्राम शिटाके मशरूम, 10 ग्राम चाइप्स, 50 ग्राम प्याज, 5 ग्राम लहसुन, 5 ग्राम काली मिर्च, 25 मिलीलीटर ऑलिव ऑयल, 25 ग्राम चिलगोजे, 15 ग्राम ब्रेड क्रम्स, 50 ग्राम आलू का स्टार्च, 300 ग्राम मैदा, 30 ग्राम सूजी, 50 ग्राम मक्खन, 250 मिलीलीटर तेल तलने के लिए और नमक स्वाद के अनुसार. पैन को हल्का सा हीट कर लेंगे और ऑलिव ऑयल के लिए हम नॉर्मल ऑयल भी खाते ले सकते हैं. बारीक कटा हुआ प्याज. जी, स्वेट कर रहे हैं यहाँ पे हम प्याज को, इसमें कलर नहीं चाहिए. अब इसमें मशरूम यूज करेंगे. मशरूम आप कोई भी मशरूम यूज कर सकते हैं, मैं रेगुलर बटन मशरूम यूज किया है और इसके अलावा यहाँ पे शिताके मशरूम. शिताके मशरूम है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा काली मिर्च कुटा हुआ. सीजनिंग बहुत बेसिक है, सिर्फ नमक और काली मिर्च यहाँ इस्तेमाल की जा रही है. हमने कुछ दिख रहा है कि पूरा मॉइस्चर मोर सूख चुका है. अब इसमें हम इस स्टेज में हम इसे बंद कर देंगे. थोड़ा सा पाइन नट्स, चिलगोजे और थोड़ा सा ब्रेड क्रम. और ब्रेड क्रम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ी सी बाइंडिंग हो जाए इसमें, तो हल्के इसको मिक्स कर लेंगे. जी, और अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट कर देंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि ये एकदम ठंडा हो जाए. तो अब इसे हम रखते हैं ठंडा होने के लिए और मीन टाइम हम बनाएंगे इसका डो. एब्सोल्युटली. आप सबसे पहले हम थोड़ा मैदा लेंगे और थोड़ा सा सेमोलिना जिसे कि सूजी कहते हैं, सूजी, थोड़ा सा बटर, हल्का सा नमक के स्वाद अनुसार. जी, उसके बाद हल्के हाथ से इसको क्रम्बल कर लेते हैं पानी मिलाने से पहले. फिर हम थोड़ा सा पानी लेंगे इसमें और जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट बनी गया है. जी, टाइम इतना नहीं लगता इसमें और अब इसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली जस्ट लाइक दैट. इज इट रेडी? नहीं, इसको हम यूज नहीं कर सकते, इसको अभी हमें थोड़ी देर के लिए आराम के लिए रखना पड़ेगा. तो अब इसको रख देते हैं यहाँ. शेफ के पास तैयार भी पड़ा है? बिल्कुल, मैं तैयार पड़ा है. तो उससे हम बनाना शुरू करें. बिल्कुल, ये देखिए अभी एकदम सॉफ्ट भी है डो और ये बेलनैक हो गया है. ओके, देखिए मोनिका अभी बिल्कुल ठंडा हो गया है. जी, स्टफिंग जो है वो अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है एंड इट्स रेडी टू बी स्टफ्ड इन. और यहाँ पे डो भी तैयार है. तो अब पिनव्हील कैसे बनता है वो शेफ से सीखते हैं. इस टेक्निक को आप ध्यान से देखिएगा.
डॉग बहुत सॉफ्ट है ये जी। हल्के ऐसे से हम बेलेंगे। उसके जब ये एकदम रोल हो गया है जी, हम इसको तो साइड से काट लेंगे, एक रेक्टेंगल शेप देंगे इसे। ओके, और अब इसका पिनव्हील बनाया जाएगा। और पिनव्हील हम बनाए उससे पहले उसको तेल को भी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल, तो हम उसे ऑन कर देते हैं अभी। यहाँ पे जा रही है ये स्टफिंग जो फिलहाल मशरूम और शाइस की बनाई है। तो बराबर से फैला लीजिए एकदम फ्लैट सेम तरीके। उसके बाद यहाँ से धीरे से, तो पहली बार हम जब थोड़ा सा दिक्कत करता है, आपने इसे ले लिया और अब इसे हम रोल करेंगे। थोड़ा टाइट टाइट रोल करेंगे यार। ओके, अब इसके बाद मैं इसे फिर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगा ताकि ये जम जाए अच्छे से। ओके, और उसके बाद हम इसे महीन काट लेंगे। तो अब इसे रखेंगे फ्रिज में करीब आधे घंटे के लिए। काफी, आधे घंटा काफी है इसके लिए। ओके, अभी मैंने पहले से बना के रखा होता है यहाँ पे जी। उसके बाद इसको थोड़ा महीन काट लेंगे ऐसे। ओके, अब देखिए मोनिका ये एकदम बन गए हैं जी। और इसके अंदर पिनव्हील्स आर रेडी टू गो इन दिस हॉट ऑयल। और हम चाहें तो हल्का से पड़ोस दस कर सकते हैं इसमें जी, गरम तेल में डाल देंगे। ओके, तो गर्मा गर्म तेल में ये पिनव्हील्स हो रहे हैं फ्राई। अब देखिए अच्छे से फ्राई हो गया गोल्डन कलर। तो ये है हमारी इंग्लिश स्टाइल के भाकरवाड़ी, जिसमें कि मसाले की जगह या दाल की पिट्ठी की जगह डला हुआ है मशरूम का और पाइनट का बढ़िया सा स्टफिंग। सो हियर शेफ इज विद अनदर इंटरेस्टिंग लुकिंग प्लेटर। और इस पे ये क्या डाल रहे हैं? गार्लिक चटनी। और आप से जो कोई भी चटनी खा सकते हैं, आप मिंट चटनी ले सकते हैं, टिमोटी चटनी ले सकते हैं, पर मुझे इन पर्टिकुलर गार्लिक चटनी बहुत पसंद है। लहसुन की चटनी का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मौसम में लहसुन की चटनी रहेगी भी अच्छी। बिल्कुल, और साथ में थोड़ा सा भुना हुआ प्याज और टमाटर। ओके, और अब ये भाकरवाड़ी। सो एक इंटरेस्टिंग लुकिंग प्लेटर पे ये बढ़िया सी, इसे आप भाकरवाड़ी बोले या पिनव्हील बोले, जो भी आप नाम देना चाहें, लेकिन दिखने में इंटरेस्टिंग तो है। सो मैं इसे गर्मा गर्म करती हूँ ट्राई विद द रेकमेंडेड लहसुन की चटनी। वैसे शेप में चाहे भाकरवाड़ी जैसा लग भी रहा हो, लेकिन स्वाद भाकरवाड़ी जैसा नहीं है। वेरी डिफरेंट एंड वेरी नाइस। सो मैं इसे खत्म करती हूँ, लेकिन आप एक एक स्टेप ध्यान से नोट कीजिएगा, देख लीजिए रीकैप, और उसके बाद एक और छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सीखेंगे इंटरेस्टिंग सा मटकेक। मशरूम पिनव्हील बनाने के लिए एक पैन में ऑलिव ऑयल को गर्म करें। अब इसमें लहसुन प्याज और मशरूम डालकर पकाएं। नमक और काली मिर्च डालें। अब इसे आंच से हटाएं और इसमें चाइव्स, चिलगोजे, मक्खन और ब्रेड क्रम्स मिलाकर ठंडा होने के लिए रख दें। एक अलग बर्तन में मैदा, सूजी, नमक और मक्खन लें। इन्हें आपस में मिलाएं। अब पानी डालकर इसका आटा गूंद लें और कुछ देर रेस्ट होने के लिए रख दें। अब इस आटे को पतला बेलें, इसमें मशरूम का मिक्स फैला लें और इसे एक तरफ से रोल करें। इस रोल को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। फ्रिज से निकालकर इस रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटें। ऊपर से आलू का स्टार्च लगाएं और डीप फ्राई करें। लहसुन की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए, आपके घर की पार्टी के लिए दो बढ़िया से स्नैक्स, दो बढ़िया से स्टार्टर्स हमने सीख लिए, एक वेज और एक नॉन वेज। लेकिन कोई भी सेलिब्रेशन अधूरी है अगर मीठा ना हो। तो अब बारी है मीठे की, एंड यहाँ पे मेरे सामने एक बहुत बढ़िया डिलिशियस लुकिंग चॉकलेट मट केक पड़ा है, और यही केक अब हम बनाना सीखेंगे। बिल्कुल, हमारे यहाँ केक बनाएंगे और चॉकलेट सबको पसंद है, इसलिए हमने जो कि आज हमें चॉकलेट मट केक और डिफरेंट चॉकलेट केक से वो बनाएंगे। चलिए, तो इसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए और उसके बाद हम शेफ से बनाना सीखते हैं। चॉकलेट मट केक बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मक्खन, 250 ग्राम डार्क चॉकलेट, 180 ग्राम मैदा, 180 ग्राम चीनी, 4 ग्राम बेकिंग पाउडर, 3 अंडे, 10 मिलीलीटर विस्की, 40 ग्राम कोका पाउडर,
2 मिलीलीटर वनीला एसेंस, 300 मिलीलीटर पानी, 500 ग्राम चॉकलेट गनाश। इस मटके के अंदर गुनगुना पानी, उसके अंदर हम ये चॉकलेट चिप मिला लेंगे। अगर चॉकलेट चिप नहीं है, हमारे पास बार है तो भी चलेगा। और उसमें हम थोड़ी चीनी डाल लेंगे और साथ में बटर। बटर ओके। इसमें बेसिकली हमें सिर्फ थोड़ा सा चॉकलेट गलने का वेट करना है। तो आई कैन सी इट्स मेल्टेड। अब मेल्ट हो गया जी। अब इसमें हम मैदा मिला देंगे, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा, दिस विस्की, ओके, थोड़ा सा वनीला एसेंस सिर्फ खुशबू के लिए जी। उसके बहुत हल्के हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे जी। देखिए अब ये एकदम बैटर कंसिस्टेंसी में आ गया है। राइट। और दैट्स इट। दैट्स इट। ये चाहिए हमें, जिसमें हम थोड़ा सा बटर से इसको लाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये केक का मोल्ड लिया है। केक का रेगुलर टिन आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें उसे यूज कर सकते हैं, और उसे ग्रीस किया जाएगा अंदर से। मैं हल्का सा इसमें मक्खन लगा लिया जी, ताकि जब केक बेक होगा तो यहाँ पे इसमें मक्खन लगाया है। डू वी नीड टू डस्ट बिट ऑफ? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब इसमें हम थोड़ा एग मिला लेंगे इसमें, ठीक है। और एक बार हमें कुछ विस्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हल्का सा योग ब्रेक किया, ब्रेक किया और हल्के हाथ से मिक्स कर लिया। हमारा बैटर रेडी है। राइट, द ग्लूई बैटर एंड विद एग्स नाउ देयर इज दिस शाइन आल्सो जो पहले नहीं थी। चलिए तो ये बैटर जो है ये इसमें डल चुका है एंड इट्स रेडी टू गो इनसाइड द ओवन। यहाँ ओवन भी तैयार है। और कितनी देर के लिए करेंगे इसे? 30 से 35 मिनट। ओके चलिए तो ठीक है। दिस इज चलिए तो ये केक जा चुका है अंदर बेक होने के लिए और अभी से लगेंगे 30 से 35 मिनट। तो वेट करते हैं। ओके शेफ, 30 मिनट हो चुके हैं एंड आई कैन नॉट वेट एनी मोर। मुझे देखना है केक कैसा है एंड यू नो फ्रेश बेक होती है चीज की जो खुशबू होती है बहुत बढ़िया होती है। बहुत बढ़िया होती है एक्चुअली। इट स्मेल्स लाइक हेवन। चेक कर लेते हैं। इट इज गुड। या इट इज ओके जी शेफ। तो अब क्या करना है? अरे आप मेरे को स्पिनिंग दे दीजिए वो केक ट्रेन केक टेबल फलेट। तो अब इसे बनाएंगे बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ऐसा बनाएंगे इसे। ओके हमारा केक रेडी है। अब हम इसके लिए चाहिए चॉकलेट ट्रफल और या चॉकलेट गनाश जिसे कहते हैं। उसका हम इसे ऊपर से पोर कर देंगे। तो इसको ऊपर और साइड पे अच्छे से लगाना है और उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। फ्रिज में रख देंगे। अब इसके हम इसे फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए जी। और उसके बाद इसको अपने प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और उसके ऊपर गार्निश कर देंगे। ठीक है। ये सेम गनाश है घर बनाया था, बट इसको फ्रिज में रखे हमने और ठंडा कर लिया है तो थोड़ा थिक हो गया। ओके। और उसके बाद अपने मन अनुसार जैसे भी आप गार्निश चाहें जी। वैसे तो ये केक काफी अच्छे तरीके से तैयार है एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड यमी। दिस A nice way to actually end the party with such a dessert. काटने में पता चल रहा था कितना moist है, लेकिन खाने के बाद you can actually feel the, you know, the cake and the chocolate and everything being really nice and melting and very soft. It's such a yummy cake कि मेहमान खाए ना खाए, I'm sure अगर आप इसे एक बार बनाएंगे और taste करेंगे तो आप तो इसे definitely खुद ही चटकर जाएंगे। No struggling. That's so nice. देख लीजिए रीकैप, सभी से ध्यान से देखिएगा। आप इसे आसानी से अपने घर में ओटीजी ओवन में बना सकते हैं। पर रीकैप देखने से पहले और न्यूट्रिशनिस्ट से मिलने से पहले यहाँ शेफ को कहते हैं थैंक यू और साथ ही साथ उन्हें विश भी करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ये बढ़िया अमेजिंग रेसिपीज जो शेयर की है। थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। थैंक यू, सेम टू यू। चॉकलेट मट केक बनाने के लिए
एक पैन में पानी, मक्खन, चॉकलेट और चीनी लें और इसे गर्म कर लें। चॉकलेट पिघलने पर इसमें मैदा, बेकिंग सोडा, कोका पाउडर, विस्की और वनीला एसेंस मिलाएं और ठंडा होने पर इसमें अंडे मिलाएं। इस केक के बैटर को एक ग्रीस्ड केक टिन में डाल दें। 180 डिग्री तापमान पर इसे 35 मिनट तक बेक करें, ठंडा करें, मोल्ड से निकालें और ऊपर चॉकलेट गनाश से सजा दें। नए साल की सेलिब्रेशन और पार्टी के लिए हमने ये नई रेसिपी तो बनाना सीखी। चलिए अब मिलते हैं हमारी न्यूट्रिशन से और उनसे जानते हैं कि पार्टीज और सेलिब्रेशन के इस मौसम में कैसे करें हम हेल्दी ईटिंग। Hi, I'm Sandhya. It's New Year or New Year के दौरान we start setting in resolutions which get lost somewhere in the middle of the month. तो हमको चाहिए हम जो भी goal set करें that should be realistic and achievable. तो आइए बात करते हैं how to set realistic and achievable goal. सबसे पहले आपको चाहिए आप promise करें not to stock any processed as well as packed food because they're loaded with sugar, salt, preservatives and saturated fat content. You need to read your labels carefully. Do not fall into things like low-calorie, fat-free things because they have many side effects like memory loss and also cause imbalance in your sugar as well as insulin levels. आपको चाहिए आप जब भी शॉपिंग के लिए जाए यू शुड नॉट बी एम्प्टी स्टमक एंड ऑल्सो ट्राई एंड टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स रादर देन टेकिंग टू लार्ज मील्स। पानी का इंटेक बढ़ाएं से अप टू अबाउट 2 to 3 liters ऑफ वाटर एंड इसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू कट डाउन ऑन योर शुगर, सॉल्ट एज वेल एज फैट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनकॉर्पोरेट करें एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज बिकॉज डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू डी स्ट्रेस एंड यू कैन इन्वॉल्व इन मेडिटेशन और योगा एंड लास्टली थिंक पॉजिटिव सो गो हेड एंड इनकॉर्पोरेट सम of these tips which are achievable for a healthy body and mind. आज की रेसिपीज तो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग थी। अगर आप इन रेसिपीज को ट्राई करेंगे तो आपकी इन डिशेस की और साथ ही आपकी पार्टी की चर्चा पूरे साल होगी। ट्राई कीजिए इन रेसिपीज को, हमारे साथ शेयर कीजिए अपना कुकिंग एक्सपीरियंस। साथ ही न्यू ईयर के इस मौसम में, पार्टीज के इस मौसम में अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखें उसके लिए आपको टिप्स भी मिल गई होंगी। तो बनाइए बढ़िया सी रेसिपीज और साथ ही इंजॉय कीजिए इस पार्टी सेलिब्रेशन को इन टिप्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर आपके पास कोई भी रेसिपीज या कोई भी सजेशन या सुझाव जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें या कोई भी सवाल जो आप हमारी न्यूट्रिशन से पूछना चाहें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं greatchef@zenithclub.com पर। आप चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं। शेफ लिखे अपना नाम, अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने कॉमेंट्स और सजेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात कुछ और बढ़िया और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।